देखते रहिए। हम रोज इवेंट देखते हैं, इवेंट पर जाते हैं, बट दिस इज स्पेशल, वेरी स्पेशल इवेंट फॉर मी। बहुत सारे लोग ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये हिम्मत नहीं की कि एसिड अटैक विक्टिम्स को या ड्रग के विक्टिम्स को इतनी सारी इम्पोर्टेंस दी जाए। सो इस इवेंट में उनको बहुत सारी इम्पोर्टेंस मिलती हैं और उनको स्पेशल फील होता है, और उनके लिए सब काम करते हैं, उनके लिए सब डोनेट करते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अ सोसाइटी एंड आई हैव माई होल सपोर्ट फॉर दिस इवेंट। आई एम आस्था रावल एंड जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना, मुझे ये पता चला कि दिस गाइज आर वर्किंग फॉर सच अ गुड वर्क, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। एक ये सारी चीज़ें लड़कियां बहुत सारा फेस कर रही हैं, मुंबई ठीक है, छोटे छोटे शहरों में और बहुत सारी जगह पे विक्टिम्स है एसिड अटैक की, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरती है अपनी लाइफ में और फ्यूचर में भी उनका कुछ बहुत हार्ड बेस नहीं होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। सो व्हेन आई कम टू नो अबाउट दिस नोबेल वीक, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थॉट दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नोबेल वीक इवेंट्स and support these people where you know even they will feel secure and more stronger. Karajkar, I'm the founder and the CEO of Ofox Production Private Limited. Actually बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे पेजेंट्स होते हैं ग्लैमर इंडस्ट्री से होते हैं, और फिर बहुत सारे लोग मिसेस करते हैं, लेकिन मैंने कुछ नया सोचा इसमें। मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ चैरिटी करें उन लोगों के लिए जो लोग अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया दैट वाज लेट सपोर्ट टू स्टॉप एसिड अटैक, एंड जब मैंने ये स्टार्ट किया टू सपोर्ट एसिड अटैक्स, तो बहुत सारे मतलब मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने मेरी टीम इकट्ठा कर ली। तो मेरी जो टीम थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसी साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एंड देन वी केम कि हम पहला एक शो करते हैं जो हम एसिड अटैक्स के लिए करते हैं और ट्रांसजेंडर्स इक्वलिटी इन सोसाइटी, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम कर दे। तो हमने ये शो पहले किया गोवा में और अब हम इसे ले आ रहे हैं मुंबई में, दैट विल बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। 2017 में मेरे साथ मेरे खुद के हस्बैंड ने अटैक किया था, उनकी ये ईगो के वजह से आज वो सोचे थे शायद मैं कभी लाइफ में बाहर नहीं निकलूँगी और लोगों को अपना फेस नहीं दिखा पाऊँगी, बट उसकी सोच को मैंने बंद किया। और मुझे ऐसा लगता है कि फेस मायने नहीं देता है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, लोगों के सामने एक अच्छे इखलाक होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि जाकिरा ने मुझे अपना भाई समझा। मैंने उन्हें पहले भी, मेरा एक शो हुआ था कोहिनूर में जिसमें अखिलेश जी भी आए थे, उन्हें भी पता है सब कुछ, और निकिता खुद उस शो में थी, उन्होंने भी देखा है। तब मैंने चाहा था उन्हें सपोर्ट करना, और मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया को ऐसा फेस करे कि जो लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत कुछ कर पाए जिंदगी। मैं पुणे में जो है, एक मेरा सपना है एक सुपर मार्केट का, जो मैं बहुत जल्द पूरा करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इन लोगों को उस मार्केट के थ्रू नौकरी मिले कि वो घर बैठे उनकी कुछ इनकम स्टार्ट होगी उस थ्रू से। बहुत सारी तकलीफ है इन्हें, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी शेयर करने से पहले कि हम सबको, अकेला माहिर ही नहीं, माहिर ने ये बीड़ा उठाया है तो माहिर बहुत लोगों को ऑलरेडी जोड़ रहे हैं और उसके बाद भी और लोगों को जोड़ने की, वो इंटरनेशनल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपने कोई ऐसा बंदा देखा कि एसिड विक्टिम के लिए या चैरिटी के लिए इंडिया में तो काम करता है लेकिन इंडिया के बाहर ही करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, माहिर ये काम कर रहा है। तो हम सबको, मेरी ये खास सबसे विनती है कि हम सबको माहिर का सपोर्ट करना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए। और वो खुलेआम कह रही है कि मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, माहिर भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, वो इतनी सारी चीज़ें कह रही है क्योंकि उन्हें नीड है। अगर इसके बाद भी हम इनकी हेल्प नहीं कर पाए और इसके बाद भी अगर हम कहीं चूकते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम है, शायद फिर वो हमारी नीयत में खोट है। बिल्कुल आगे आना चाहिए इनके लिए। देखिए, वो खुद इतनी हिम्मत कर आगे कर खड़ी है और उन्होंने इतना सहने के बाद भी अगर वो ये कह रही हैं कि मेरी बेटियाँ हैं, मैं उनको इनसिक्योर फील नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं उनको बहादुर बनाना चाहती हूँ, इसका मतलब ये है कि इनमें इतनी हिम्मत है और माहिर जैसे अच्छे इंसानों ने इतनी हिम्मत इनके अंदर भर दी है। ब्रांड हिना डिज़ाइनर स्टूडियो है और चैरिटेबल्स जो ग्लोबल वीक चालू हुआ था उसके अंदर मुझे एक डिज़ाइनर कैटवर्क के लिए प्रमोट किया गया, और उसमें सबसे बेहतरीन ये था कि सब सेलिब्रिटी का जो भी डिज़ाइनिंग कॉस्ट्यूम थे वो हमारे हिना डिज़ाइनर स्टूडियो से गए थे,
और एक चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, जो एसिड विक्टम है, फिर जो भी ह्यूमन पावर के लिए पूरा आगे बढ़ाने के लिए माहिर सर ने बहुत ही अच्छा इवेंट किया था। दिस इज उर्मिला वर्मा, डायरेक्टर ऑफ फोर फॉक्स प्रोडक्शन। यहाँ पे जो सक्सेस पार्टी हो रही है उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने लास्ट मंथ गोवा में एक चैरिटी नोबल वीक सेशन का आयोजन किया था, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ, काफ़ी सक्सेस हुआ, उसी की ये सक्सेस पार्टी यहाँ पे हमने रखी गई है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं, हमारे कंटेस्टेंट्स आए हैं, उनकी रिक्राउनिंग हुई है और काफ़ी ऑल ओवर हम सब मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। बुराडिया है, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ ग्लैमर इंडिया सीज़न 3 की। माहिर ने जो ये पूरा वीक का नोबल वीक किया है, जिसमें हमने बहुत सारे, माहिर ने बहुत सारे नए नए कॉजेस को सपोर्ट किया है, जैसे एसिड विक्टम है, ट्रांसजेंडर है, बहुत सारे नए नए कॉजेस को सपोर्ट किया है। हमें भी चाहिए कि हम भी आगे आके उन लोग को सपोर्ट करें, उनको जीने की एक राह दिखाए। वैसे उन लोग हमें राह दिखाते हैं कि कैसे जीना चाहिए, कि इतना कुछ हो जाता है उनमें कि फिर भी वो लोग कितने अच्छे से जी रहे हैं, वो हमें उनसे सीखना चाहिए। मेरा नाम सारा बुराडिया है, मैं मिस कैटेगरी में विनर हूँ और ये जो पेजेंट है और इसका जो मैसेज है वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा है कि हम सबको सीखने मिलता है कि एसिड विक्टम्स और यू नो टबैको से क्या क्या हार्मफुल जो भी हार्म होता है टबैको से वो सब सीखने मिलता है, और एसिड विक्टम्स कैसे अपनी लाइफ जीते हैं, क्या होता है उनके साथ, उनकी स्टोरी जानने मिलती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब एज अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन ये सब सीखें और इस सब के अगेंस्ट हम अपना थोड़ा एक स्टेप लें। स्पीकिंग आप, मैं बैंगलोर से आई हूँ, तो मैं एक्चुअली वॉलंटियर एक्टिविटीज़ ऑलरेडी करती हूँ। मेरा एक ग्रुप है नारी यारी करके, जो इंडिया वाइड हम हर सिटी में फीमेल ओरिएंटेड ग्रुप है। हम लोग सोशल कॉजेस को बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे फिजिकली चैलेंज वुमेन हो गए, एल्डरली वुमेन हो गए, तो हम उनके एसोसिएशंस पे जाते हैं, चैरिटेबल वर्क करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम सपोर्टिंग दिस कॉज एंड वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू विन दिस। पुणे मिसेस ग्लैमर कैटेगरी में रनर, फर्स्ट रनर अप। आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव नॉट थॉट अबाउट दैट आई वुड कम टिल दिस लेवल। बींग अ सिंगल मॉम स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस वॉज सच एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, टू ओपन अप एंड वंस अबाउट द कॉज बट फोर फॉक्स प्रोडक्शन हैज़ कम अप, यू नो, फॉर एसिड अटैक एंड वुमन एम्पावरमेंट। So I really support for that because in today's days there are more than 98% women who are actually the household, you know, who's working for the whole family and taking care of the whole family. So this is the right time and to come out of the house and just work hard and show the world that even you. Wow, iska ye success party tha. इसका सेकेंड सीज़न हम मुंबई में प्लान कर रहे हैं और इसका थर्ड सीज़न जो है हम दुबई में प्लान कर रहे हैं, जो एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में है। और ये जो इवेंट है, जो डिफरेंट अपने कॉज है, जैसे वुमन एम्पावरमेंट है, एसिड अटैक विक्टम्स है, ट्रांसजेंडर इक्वालिटी है, ये सारे जो अपने कॉज है, ये कॉज के लिए हम फंड रेज कर रहे हैं और जो चैरिटी कर रहे हैं हम, ये कॉज के लिए कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में एक वुमन एम्पावरमेंट भी लोग शो कर रहे हैं, प्लस एसिड अटैक जो विक्टिम्स है जिनको शायद सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता है, उनको इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत अच्छी तरह से उनके लिए कुछ कर रहे हैं। और रियली ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, और ये अच्छा काम भी कर रहे हैं और इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और दे ऑलरेडी डन वन सीज़न, अब ये सेकेंड सीज़न होने वाला है और थर्ड दे आर डूइंग इंटरनेशनल दुबई। सो हैट्स ऑफ और